दिलीप कुमार जो अपने आप में इंस्टीट्यूशन रहे खुद फिल्म इंडस्ट्री के, वो अब हमारे बीच नहीं है। एक बेहद दुखद लम्हा, एक बेहद दुखद पल, न सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री के लिए बल्कि पूरे देश के लिए। और देश ही क्या, आपको बता दें कि पूरे विश्व में दिलीप कुमार, उनका अभिनय, उनकी कलाकारी को एक तरह से पूजा जाता है, एक तरह से सल्यूट किया जाता है। क्योंकि आप ही इस बात को समझिए कि इतने लंबे करियर में महज 60 फिल्में करना, यानी कि वो बहुत चूजी थे अपने कैरेक्टर को लेकर, वो बहुत चुनकर कैरेक्टर लेते थे, परखते थे, स्क्रिप्ट को देखते थे और उसके बाद वो ये तय करते थे कि उन्हें कौन सी फिल्म करनी है। दिलीप साहब को फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया, दादा साहेब फाल्के अवार्ड से नवाजा गया, यहां तक कि उन्हें लिविंग लेजेंड लाइफ टाइम अवार्ड और पद्म भूषण जैसे सम्मानों से भी नवाजा जा चुका है। आपको बता दें कि दिलीप साहब को सम्मानित करते हुए मुंबई का शरफ भी घोषित किया गया था। बता दें साथ ही कि बॉलीवुड में सबसे ज्यादा अवार्ड जीतने वाले भारतीय एक्टर भी दिलीप कुमार ही हैं। जी हां, कई सारे बॉलीवुड में एक्टर्स हैं, लेकिन दिलीप साहब एक ऐसे कलाकार रहे जिनको सबसे ज्यादा अवार्ड मिला है, न सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में ही। और सिर्फ इतना ही नहीं, दिलीप साहब पहले ऐसे अभिनेता हैं जिन्हें पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान निशाने इम्तियाज से भी साल 1991 में नवाजा जा चुका है। यानी कि उनकी कलाकारी और जिस तरह से वो एक कैरेक्टर को जीवंत कर देते थे, ये जो उनके अंदर खूबी थी, ये बहुत मुश्किल और बमुश्किल देखने को मिलती है किसी और कलाकार में। क्योंकि सिर्फ कैरेक्टर में आने की कोशिश करना, क्योंकि हफ्तों, महीनों, यहां तक कि कई बार सालों लग जाता है अगर किसी आप कलाकार का इंटरव्यू सुनेंगे कि किसी कैरेक्टर में आना अपने आप में ये बहुत बड़ी बात होती है। उस कैरेक्टर को जीवंत कर देना और फिल्म में उतारना उससे भी बड़ी बात होती है, जो कि दिलीप साहब में थी। और उनकी कलाकारी लगातार, उनकी अगर आप फिल्मों की बात करें तो उन्होंने यूं तो कई हिट फिल्में दी, लेकिन उनमें सबसे ज्यादा जिन फिल्मों का नाम रहा वो देवदास। अगर आपको याद हो 1955 में ये फिल्म आई थी देवदास, काफी लोगों ने इसे पसंद किया था। साथ ही मुगले आजम जो कि 1960 में ये फिल्म आई थी, जबरदस्त अभिनय मुगले आजम में उन्होंने किया था। इसके अलावा गंगा जमुना जो उनकी हिट फिल्में हैं उनके बारे में आपको हम बताएं, 1961 में गंगा जमुना आई थी, इतना प्यार लोगों को मिला और इसी प्यार की बदौलत उन्होंने अपना रास्ता फिल्म इंडस्ट्री में तय करना शुरू किया। 1986 में कर्मा आई थी, कर्मा को भी लोगों ने जबरदस्त, जो कि राष्ट्रभक्ति और देशभक्ति से प्रेरित ये फिल्म थी, उसमें भी उन्होंने जबरदस्त अपना अभिनय किया, जो कि 1986 में ये फिल्म आई थी। साथ ही साथ नया दौर 1957 में ये पिक्चर आई थी, एक ग्रामीण पृष्ठभूमि जो रहती थी, पुरानी फिल्मों की अगर हम बात करें तो अक्सर एक ग्रामीण पृष्ठभूमि और उसमें इनका जो अभिनय रहा है, एक एक आम इंसान और एक मिडिल क्लास, लोअर क्लास फैमिली से बिलोंग करता हुआ लड़का और उसके इर्द गिर्द घूमती उसके संघर्ष की कहानी, या फिर देशभक्ति और प्रेरणा से लबरेज कहानी, कुछ इस तरह की कहानी वो चूज किया करते थे, वो पसंद किया करते थे।